नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। मैं दिवाकर गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने करंट अफेयर्स लास्ट में हम लोगों ने बुक बुक वाला देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए। उसमें से बुक्स की पूछे जाने की संभावना है कि कौन से बुक्स जो फेमस रही हैं उनके राइटर्स कौन हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स और जीएस दोनों की। जीएस के जो टॉप टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं। एक्चुअल में ये जो मैं सीरीज बनाता हूँ जिसमें जीएस और करंट अफेयर्स दोनों होते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज हैं जिनको मैंने सॉल्व किया है और उसको मैं शॉर्ट में नोट कर लेता हूँ जिससे मैं उसका रिवीजन कर सकूँ। और आपको भी इसलिए रखता हूँ आपके सामने कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारी टेस्ट सीरीज खरीद के और सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। तो इस वीडियो को देखने से आपको उन सभी टेस्ट सीरीज का भी फायदा मिलेगा जो आप तक नहीं उपलब्ध है, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं। बस इस वीडियो को एक से दो बार देखिएगा, आपको कुछ फैक्ट सीधे सीधे ऐसे ही याद हो जाएंगे और जो कुछ चीज़ें आपको भूलने वाली लगती हैं उनको आप नोट करते चलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। भवानी मंदिर एक प्रसिद्ध पुस्तक है, 1905 में ये लिखी गई थी बारिंद्र कुमार घोष द्वारा। ये एक जाने माने क्रांतिकारी रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के, तो इनके द्वारा भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी गई थी। पंचरात्रि, ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं। इनको बिल्कुल भी लूजली मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। पंचरात्रिक नारायण विष्णु के उपासक जो होते हैं उनको पंचरात्रि कहते हैं। पैठणी तकनीक क्या है? वस्त्र निर्माण की एक विधा है, वस्त्र निर्माण की एक जो है टाइप है कि वस्त्रों का निर्माण करने की कई सारी टेक्नोलॉजी होती हैं, तो इसमें जो हाथ से वस्त्र निर्माण किए जाते हैं उसमें एक पैठनी तकनीक है जो बहुत ही फेमस है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है अगर आपको आपने घटनाचक्र देखी हो तो। निहाल चंद्र थे किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। अनेकांतवाद जो सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं ये क्या है? तो ये जैन धर्म का एक दर्शन है। इसका अर्थ होता है सत्य के कई पहलू या आयाम होते हैं। तो अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, अनेकांतवाद किन किस से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, उसमें सारे धर्म, या हिंदू धर्म ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है अनेकांतवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। सीएजी के चयन हेतु निर्णायक मंडल क्या होता है? देखिए सीएजी का चयन एक संवैधानिक पद है तो इसके निर्वाचन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं ये जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का जो नेता होता है, जो विपक्ष का नेता होता है सदन में, और वित्त मंत्री, ये तीन लोग मिलके सीएजी के निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं। यानी ये पैनल जो होता है ये इन्हीं के द्वारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या भारत के महालेखाकार का चयन किया जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या कहाँ पर की गई है, किस वाद में की गई है? बहुत बार क्वेश्चन आया ये, तो मेनका गांधी वाद में की गई है और इसी से अनुच्छेद 21 की व्याख्या की गई। अनुच्छेद 21 से संबंधित है ये। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ये पूरे संविधान में कहीं भी स्पष्टतया नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, यानी ये अपरिभाषित एवं अनिश्चित है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब तक उसको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री रह सकता है। संसद की आज तक तीन संयुक्त बैठकें हुई हैं। कब कब हुई हैं उसको हम क्रम से जान लेते हैं। यहाँ पर दहेज निषेध विधेयक पर हुई थी 1959 में पहली बार। बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक जो था उसमें 1977 में हुई थी। आतंकवाद रोकथाम विधेयक 2002 में तीसरी बार इसकी बैठक हुई थी। फिर कुछ झीलें होती हैं, उनकी किस प्रकार से निर्माण प्रक्रिया होती है, जो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। रिफ्ट घाटी झीलें जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं? भू संचलन से बनती हैं, यानी पृथ्वी में जो टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां होती हैं तो उसके कारण भू संचलन जो होता है उससे रिफ्ट घाटियां बन जाती हैं, और उनमें रिफ्ट घाटियों में जो झीलें बहती हैं उनको रिफ्ट घाटी झीलें कहते हैं। फिर सर्क झीलें कुछ होती हैं, हिमाच्छादन से बनती हैं, यानी ये बर्फीले स्थानों पर।
कास्ट लेक्स या कास्ट झीलें अपरदन के द्वारा बनती हैं, वायु के बहुत ज़्यादा अपरदन से जो है कास्ट लेक का जन्म होता है, और बैरियर झीलें कैसी बनती है, भूस्खलन तथा हिमस्खलन से बैरियर झील बनती हैं। तो ये मिलान में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत चोटियों का सही क्रम क्या है? तो पश्चिम से अगर हम शुरुआत करेंगे तो नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी और नामचा बरवा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हम पहुंच जाएंगे और इस तरह से ये इसका क्रम है। इसको आप मैप में आपने देखा होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। फोर्जिंग क्या होता है? तो फोर्जिंग जो है धातु उद्योग में जो धातु के निष्कर्षण और उसकी एक तकनीक होती है, तो धातु उद्योग से संबंधित एक शब्द है ये। ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? सब्जियों की विशेषीकृत कृषि, यानी सब्जियों की ही स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर, खेती जो की जाती है, फार्मिंग जो की जाती है, उनको हम ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब अगर इसके बारे में आपको नहीं पता होता तो आप ये सोचते कि ट्रक फार्मिंग कुछ होता होगा जिसमें ट्रक का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर भूतापीय ऊर्जा परियोजना या संयंत्र, ये कहाँ कहाँ पर स्थापित है भारत में? क्योंकि आप और सब तो जानते हैं, लेकिन भूतापीय मतलब जो सूर्य की किरणों से ज़मीन गर्म होती है और उसके द्वारा संयंत्र लगा के उस गर्मी का उपयोग करके जो हम बिजली का उत्पादन करते हैं उसको भूतापीय ऊर्जा परियोजना या संयंत्र बोलते हैं। ये मणिकरण नामक स्थान है कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश में, पूंगा घाटी है लद्दाख में, और तातापानी नामक स्थान है छत्तीसगढ़ में। यहाँ तीन जगह पर भारत में भूतापीय ऊर्जा परियोजना संयंत्र लगे हुए हैं। फिर बात करते हैं भारत का प्रथम सौर ऊर्जा तालाब कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भी लगभग वही चीज़ है, तालाब का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई तालाब बना दिया गया है। तालाब का मतलब है एक स्पेसिफाइड एरिया है जो जहाँ पर सौर ऊर्जा से जो है बिजली बनाने के संयंत्र लगाए गए हैं। तो ये प्रथम जो सौर ऊर्जा तालाब है ये भुज नामक स्थान पर गुजरात में लगाया गया है। तरंग ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो जो तरंगों द्वारा ऊर्जा होती है वो तिरुवनंतपुरम के विझिंजम नामक स्थान पर तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ज्वारी का मतलब आप समझ होंगे जो टाइडल वेव्स आती हैं समुद्रों में, जो टाइड आते हैं यानी ज्वार भाटा आते हैं, तो उनसे भी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो संयंत्र है वो कांडला नामक स्थान है गुजरात में, जो एक तट है, पोर्ट है कांडला, वहां पर स्थापित है। कोलबेड से प्राप्त प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो कोलबेड से क्या बनती है? कोलबेड मीथेन बनती है, मीथेन गैस प्राप्त होती है। कार्बन फुटप्रिंट आप जो है इकोलॉजी में पढ़ते रहेंगे, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में, तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? किसी प्रक्रिया या उत्पाद के पूरे जीवन काल में उसके द्वारा उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और अन्य ग्रीन गैसें की कुल मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। यानी मान लीजिए एक कारखाना है, तो अगर उससे उसके पूरे जीवन काल में जितनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, उसके अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे SO2 है और नाइट्रोस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेज की श्रेणी में आती हैं जिनके द्वारा जो है पृथ्वी में जो है ग्लोबल वार्मिंग की जाती है, तो इन सब की जो कुल उत्सर्जित मात्रा होती है उसको हम उस उत्पाद का, उस स्थान विशेष का कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। और देशों के भी कार्बन फुटप्रिंट नापे जाते हैं, जैसे भारत का भी कुछ कार्बन फुटप्रिंट होगा। फिर जैव आवर्धन, ये मैंने आपको जो है बायोलॉजी में भी पढ़ाया था कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। जब कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उदाहरण आपके सामने है, DDT, पारा, एल्ड्रिन, रेडियो एक्टिव पदार्थ भी कुछ होते हैं, जो मान लीजिए कि हमने DDT को कहाँ छिड़का, खेतों में छिड़का कीटनाशक के तौर पर, फिर क्या होता है उनका संवर्धन होता है, पौधे के अंदर चले जाते हैं, पौधे में उसकी मात्रा जो है 10 गुना बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, मतलब हर स्तर पर उसकी मात्रा बढ़ती है। अब पौधे को किसने खाया? पौधे को मान लीजिए सब्जी है, वो हम लोगों ने खाया, तो हम लोगों में फिर उसका बायो मैग्निफिकेशन हुआ, वो और 10 गुना बढ़ गई, फिर हमारे अवशेष को किसी और ने खाया। तो इस तरह से जो है लगातार ये जो है फूड साइकिल में इंटर कर
और मैग्नीफाइंग होती रहती है, आवर्धन इनका होता रहता है। तो ऐसे पदार्थों को हम बायोमैग्नीफिकेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं और इस प्रक्रिया को बायोमैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के जो है एनिमल्स हैं, जानवर हैं, जो कहीं कुछ ही जगहों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो समुद्री गाय जिसे हम कहते हैं डुआंग, इसका जो साइंटिफिक एनिमल नेम है डुआंग है, ये कच्छ की खाड़ी में ही पाया जाता है। मतलब कच्छ की खाड़ी क्या है, एक रिजर्व एरिया है। फिर भौंकने वाले मृग, ये सुंदरवन जैव मंडल बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, सुंदरवन बायोस्फीयर, ये हिंदी में लिखा है नीचे। और सिरुवामी पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर में सिरुवामी पहाड़ियाँ स्थित हैं। फिर हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में तरलता संजाल किसे कहते हैं। इसका मैं एग्जैक्ट इंग्लिश तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लिक्विडिटी नेटवर्क या समथिंग इस तरह से होगा इसका इंग्लिश। तो जब बॉन्ड पर दी गई ब्याज दर न्यूनतम हो, उस स्थिति को हम अर्थव्यवस्था में तरलता संजाल कहते हैं, यानी जब बॉन्ड पर दी गई ब्याज दर न्यूनतम हो। फिर राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसकी सीधे सीधे परिभाषा आ जाती है चार ऑप्शंस में। कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, यानी जितना भी हमने व्यय किया है उसके अगेंस्ट हमको भी जितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, कुल राजस्व प्राप्तियां, जिनमें हम ऋणों को नहीं जोड़ते हैं, यानी ऋणों को हटाकर, तो ये जो फिगर होती है ये राजकोषीय घाटा कहलाती है। फिर फिलिप्स वक्र, आपने बहुत सुना होगा फिलिप्स वक्र क्या होता है, तो थोड़ा सा फिलिप्स वक्र के बारे में जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, बेरोजगारी दर और मजदूरी स्फीति वृद्धि दर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो मजदूरी स्फीति जो दर होगी वो उसके उल्टा ग्रोथ करेगी। वो फिर यह संबंध लघुकालिक हो सकता है और मूल फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढाल में पूरी तरह से असमान होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फिलिप्स वक्र में किन किन चीज़ों का संबंध दिखाते हैं, तो बेरोजगारी दर और मजदूरी स्फीति वृद्धि दर में दिखाते हैं। और फिलिप्स वक्र जो है कि ढाल कैसी होती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है पहले, तो ऋणात्मक ढाल होती है और पूरी तरह से असमान होती है। देखिए ये मैंने बनाने की कोशिश की है, तो ये असमान होती है, मतलब समान अगर क्या होती है, अगर सीधी तरह से आ रहा होता तो ठीक है, तो ये कर्व लिए हुए होती है। फिर क्राउड सोर्सिंग एक वर्ड चर्चा में रहा है, तो क्राउड सोर्सिंग क्या होता है, तो जैसे आप विकिपीडिया की साइट देखते हैं तो उनमें एक ऑप्शन होता है कि अगर उनका कोई कंटेंट है उसमें आप लॉग इन करके उसको एडिट कर सकते हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें और बढ़ाई जानी चाहिए, या आपने कभी कभी विकिपीडिया पे कुछ सर्च किया होता है तो उसमें से मुश्किल से चार लाइन लिखी होती है और उसमें लिखा होता है प्लीज़ प्रोवाइड योर इनपुट, मतलब क्या आप इसमें आप सहयोग करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे लॉग इन करके उनकी जो लिखी हुई चीज़ है उस टॉपिक को आप और इलेबरेट लिख सकते हैं। तो इसी को क्राउड सोर्सिंग करते हैं, मतलब सभी लोग किसी चीज़ को बढ़ाने में जब इन्वॉल्व होते हैं, जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया ने खुद ही सब कुछ नहीं लिखा है, विकिपीडिया पे जो है आम लोगों ने भी जो है अपनी अपने नोट्स अपनी चीज़ें वहाँ पर अपडेट की हैं, तभी उसका इतना बड़ा नेटवर्क हुआ है। तो क्राउड सोर्सिंग का उदाहरण है विकिपीडिया। विश्व का सबसे बड़ा सारस केंद्र बनाने की कहाँ पर योजना है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 6 प्रजातियां पाई जाती हैं सारस की। फिर एक क्वेश्चन बार बार आता है कि न्यायालय द्वारा कावेरी जल का जो विवाद है उसमें बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। अभी जो रिसेंट 2017 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो उसको हम देखते हैं किस किस तरह से किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु को 419 टीएमसी पानी का बंटवारा किया गया है, कर्नाटक को 270, केरल को 30 और पौंडीचेरी या पुदुचेरी को 7 टीएमसी का पानी का बंटवारा किया गया है। ये उन्होंने फार्मूला निकाला है कि चारों राज्यों में इस तरह से बंटवारा होने पर विवाद को समाप्त किया जा सकता है। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, बार बार पूछा गया ये। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। दक्षिण एशिया में मलेरिया मुक्त देशों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले मालदीव को घोषित किया गया था दक्षिण एशिया में मलेरिया मुक्त, उसके बाद रिसेंटली 2017 में श्रीलंका को घोषित किया जा चुका है मलेरिया मुक्त। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे अपील भी नहीं करता हूँ बार बार, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कहना, लेकिन अगर आप मुझ हम अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आती हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन और वो उसके अलावा जो आपके कमेंट्स होते हैं, आपके लाइक्स होते हैं, उससे मुझे उत्साह मिलता है कि मैं आपके लिए और बेहतर चीज़ें बना सकूं, जिस जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हों। और इधर मैं ज़्यादातर वीडियोस में मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोलना छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, धन्यवाद। यूपी में किसान बही योजना कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप आज तक जो है यूपी स्पेशल में, 1992 में शुरू की गई थी। फिर नागलपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कृष्णदेव राय द्वारा। नागलपुर नगर कृष्णदेव राय द्वारा। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किसने किया था? अरबी अनुवाद पहले पुस्तक का नाम जानने लिए कलिला वंदनिमा। पंचतंत्र विश्व की एक ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे ज्यादा अनुवाद हुआ है। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कॉन्फिडेंस से यही पंचतंत्र को लगा दीजिएगा, मतलब दुनिया की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें पंचतंत्र का अनुवाद नहीं किया गया है। तो कलिला वादनिमिना जो पुस्तक है ये अरबी अनुवाद है पंचतंत्र का, और इसको किया है अब्दुल्लाह इब्न अल मुकाफा द्वारा। बड़ा टफ नाम है, आप नोट कर लीजिए इसको। बेगम समरू द्वारा स्थापित प्रसिद्ध चर्च कौन सा है? तो सरधना में है, मेरठ में है, यूपी स्पेशल में पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन यही आता है कि बेगम समरू द्वारा स्थापित चर्च कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो सरधना नामक स्थान, या सीधे सीधे मेरठ होगा ऑप्शन में। एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है कब दिया था गांधी जी? तो गांधी जी द्वारा दिया गया था ये तो हम जानते हैं। तो जब 1921 में 1920 में जो असहयोग आंदोलन की उन्होंने घोषणा की थी, तब उन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, इसी को एक नारा बना दिया गया था कि एक वर्ष में स्वराज। फिर जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र भारत में कौन सा है? तो पश्चिमी बंगाल में एक इस इलाका है जो जंगली इलाका है, मतलब फॉरेस्ट एरिया है, तो वो जंगल महल कहलाता है। बबली प्रोजेक्ट क्या है? बबली प्रोजेक्ट एक पावर डैम है जो महाराष्ट्र में गोदावरी नगर नहर पर नदी पर स्थित है, सॉरी। फिर सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्रफल कहाँ पर पाया जाता है पूरे देश में? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये सब वन लाइनर फैक्ट जरूर हैं, लेकिन ये सीधे सीधे कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, रट लीजिए, इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आने वाले आरओ के पेपर में। वाह पत्तन का विशिष्ट उदाहरण क्या है? पणजी गोवा। पणजी गोवा में जो है जो एक वाह पत्तन का उदाहरण है। फिर मेलेनेशिया द्वीप समूह ये कहां पर है? प्रशांत महासागर का द्वीप है ये, और ये इसका द्वीप का नाम है सोलेमन। तो सोलेमन नामक द्वीप जो है जो मेलेनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आता है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत की औसत फसल गहनता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 135% है। एवरेज क्रॉप डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 135%। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ये एक सरकारी प्रकाशन की पुस्तक है जो प्रतिवर्ष IARI द्वारा प्रकाशित की जाती है। IARI का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है, ये यूपी स्पेशल में पूछा जा चुका है। मरियम मिर्जा खानी इनका निधन हुआ है हाल ही में 15 जुलाई को, मतलब 2017 में। ये कौन थी? तो ये गणित की विदुषी थी, यानी
फेमस मैथमेटिशियन थीं। यूनिसेफ की सद्भावना दूत किसको चुना गया है? लिली सिंह को चुना गया है। बिम्बलडन 2017 जो महिला वाला हुआ था, ये जीता है गर्बाइन मुगुरुजा। दोस्तों ये 2017 का है, अगर 18 में बिम्बलडन हुआ है मुझे अभी अभी नहीं मैं श्योर कह सकता हूँ। मैं एक केवल खेल पर ही जो है पूरा एक सेगमेंट बनाऊंगा करंट अफेयर्स का, कि जो मुख्य प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे वो Formula 1 हो, विम्बलडन हो, ग्रैंड प्रिक्स हो, तो उनको मैं एक ही वीडियो में जो 2018 के लेटेस्ट हैं उनको एक साथ कर दूंगा, तो जिससे आपको जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए, क्योंकि करंट जो है ज़्यादा पास का पूछेगा, बहुत पुराना नहीं पूछेगा। तो ये 2017 का ये भी आ सकता है, अगर 2018 नहीं हुआ होगा तो इसको आगे देखेंगे। फिर ऑस्ट्रियन Formula 1 ग्रैंड प्री 2017 ये वॉल्टेरी बोटास द्वारा जीता गया है। मालाबार 2017 नौसैनिक युद्धाभ्यास, ये भारत, अमेरिका और जापान इनका संयुक्त होता है, और ये अब युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। मैं सारे युद्धाभ्यास भी एक साथ कर दूंगा। तो उसमें क्या है, पहली चीज़ तो कुछ युद्धाभ्यास जो हैं वो उनका निश्चित होता है कि उस नाम से, जैसे गरुण है तो भारत और फ्रांस में जो है गरुण होता है, तो वो हर साल होता है। अब उसका प्लेस बदलता रहता है, लेकिन कभी ये पूछता है किन दो देशों में है, तो वो दो देश हमेशा फिक्स रहते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में नए नगर निगमों की स्थापना की घोषणा की गई है दो, जैसे कि आप जानते हैं अयोध्या और मथुरा, मैंने अपने यूपी स्पेशल वाले वीडियो में आपको बताया था। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता कौन थी? तो ध्रुव देवी जो है सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता थी। श्वेतांबर परंपरा अनुसार स्त्री तीर्थंकर कौन थी? तो मतलब तीर्थंकरों के बारे में कुछ मिथक हैं, कुछ कहानियां हैं, तो उसमें से एक तीर्थंकर जो हुए हैं वो उनको माना जाता है कि वो स्त्री तीर्थंकर थी, यानी मल्लिक नाथ। अब मल्लीनाथ हैं तो ऐसा माना जाता है, अवधारणा होगी। तुरुष्क दंड नामक कर किसने लगवाया था? तो गहड़वाल राजवंश के जो है लोग थे, उन्होंने तुरुष्क दंड नामक कर जो है लगाया था। फिर अब कुछ करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट हैं, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर स्थापित है या कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो इंडियन इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैदराबाद में स्थापित है। देश का पहला इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट एरो क्या है? डाकघरों का जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे डाकघरों को अब बैंकिंग सेवाओं से जोड़ दिया गया है, उनके भी अलग ATM हो गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत हुआ है? प्रोजेक्ट एरो के अंतर्गत हुआ है। पेटेंट कानून में संशोधन हुआ है, पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम। तो जो पेटेंट कानून ये अधिनियम हुआ, तो अधिनियम कब बना था? 2002 में बना था। रेजिडेक्स क्या है? भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक है 2007 में। इसका फुल फॉर्म ढूंढ के कमेंट करिएगा, तब मैं देखता हूँ कि आप जो है मेरे वीडियोस को कितना ध्यान से देखते हैं, मैं तो बता ही दूंगा। रेजिडेक्स इंडेक्स जो है ये भारत में जो आवासीय कीमत है इनकी सूचकांक को दर्शाने वाला एक सूचकांक है, जो 2007 में शुरू किया गया था। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना 1993 में प्रारंभ की गई थी। प्लानिंग एंड द पुअर, ये BS मिन्हास की पुस्तक है, आप जानते हैं इकोनॉमिक की जो है बहुत बड़ी पुस्तक मानी जाती है, और इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो बगीचा सिंह मिन्हास नाम है इनका। कभी मान लीजिए BS मिन्हास नहीं दिया, बगीचा सिंह मिन्हास दिया है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, पूरा नाम भी जान लीजिए। फिर अभिनव भट्टाचार्य किसका अन्य नाम था? तो महाराणा कुंभा जो थे उनका एक और नाम था अभिनव भट्टाचार्य। होयसल स्मारक कहाँ पर है? मतलब होयसल के अवशेष जो स्मारकों के मिले हैं वो हेलबिड और बेल्लूर में मिले हैं, ये कर्नाटका में जो है एक स्थान है वहाँ पर ये सब पाए गए हैं। फिर दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? तो सेना की दशमलव प्रणाली को अपनाया था अकबर ने। सुपर थर्मल कोटि का ताप विद्युत गृह कौन सा है? कैगा, सुपर थर्मल कोटि का है ये, कैगा में कैगा है। फिर 10 करोड़ से जनसंख्या से अधिक वाले देश
देश कितने हैं पूरे वर्ल्ड में? तो 13 देश हैं जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से अधिक है। फिर लोकसभा अध्यक्ष एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दोनों पदों पर कौन आसीन हो चुका है? तो ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी बने हैं, ये सब थोड़ा रेयर होता है। तो केडी हेगड़े साहब हैं, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, ये विशेषता है। फिर बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद, जो पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है, पॉलिटी में अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है। पहले फैक्ट ये जान लीजिए। और इसका गठन जो किसके कब किया गया था, सरकारिया आयोग का गठन हुआ था, उसकी सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया था। फिर करंट अफेयर से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित है, विशेषकर सेब के लिए है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री या यूनिट है। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो खरवार जनजाति के लोग जो है वो कर्मा नृत्य करते हैं। आम्रपाली और वनराज आम के संकरण से, यानी आम्रपाली और वनराज दो आम की जो किस्में हैं, प्रजातियां हैं, इनका जब आपस में क्रॉस करा दिया जाता है तो कौन सी प्रजाति बनती है? अरुणिमा प्रजाति, जो एक्सपोर्ट में यूज होती है। फिर कोहसर प्रजाति किससे संबंधित है? तो ये चावल की एक प्रजाति है, कोहसर। कृषि में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रजातियां, फसलों के रोग, तो प्रजातियों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और कोई लेटेस्ट जो करंट में हो, यानी ये करंट से ही रिलेटेड है, तो उनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। फिर बालिका दिवस दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, एक राष्ट्रीय है जो 24 जनवरी को मनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा है तो 24 जनवरी बताना है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा है तो 11 अक्टूबर आपको बताना है। फिर जसवंत राय शर्मा जो है, जिनको नक्स लायलपुरी नाम, लायलपुरी के नाम से भी जानते हैं, ये क्या हैं? तो ये संगीतकार एवं उर्दू कवि थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स में, और इसमें यही पूछा जाएगा कि ये क्या थे। तो संगीतकार एवं उर्दू कवि थे, या किस भाषा के कवि थे, तो आपको उर्दू बताना होगा। फिर बोरैगो स्प्रिंग फिल्म फेस्टिवल 2017 जो है कैलिफोर्निया में हुआ था, इसमें पुरस्कृत की गई थी एक भारतीय फिल्म जिसका नाम है सांझ, ये एक डॉक्यूमेंट्री है भारतीय, इसको इसमें पुरस्कार मिला था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से समझौता करके 2028 तक ओलंपिक खेलों का प्रायोजक कौन सी कंपनी बन गई है? तो अली बाबा जो चाइना की एक टॉप लीडिंग कंपनी है, वो ओलंपिक समिति से उसका एक करार हुआ है, और 2028 तक वो जो है ओलंपिक खेलों की प्रायोजक कंपनी बन गई है, और ये एक चाइनीज कंपनी है। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में इतना ही, काफ़ी कुछ इसमें लगभग 50% करंट था और 50% जो है जीएस था। ये बहुत अच्छे अच्छे जो मेरे वो है टेस्ट सीरीज, उनसे लिए हुए क्वेश्चंस हैं। इन फैक्ट्स को ऐसे ही रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और अभी ये सीरीज चलती रहेगी, कम से कम 10 और सीरीज इस तरह से आपको एग्ज़ाम के पहले मैं दूंगा। मैं जैसे जैसे अपना लिखता जा रहा हूँ, आपको आपके सामने रखता जा रहा हूँ, तो आप इसको फॉलो करते रहिए, रेगुलर देखते रहिए। और कुछ नहीं करना है, जब जैसे आप खाना भी खा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, उस समय मेरा वीडियो आप मोबाइल पे लगा लीजिए, आप खाना खाते रहिए, देखते रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना स्पेशल उसके लिए टाइम निकालिए, लेकिन होता क्या है, अगर आप इसको और कामों के साथ भी इसको आप देख सकते हैं, जिससे केवल देखने और सुनने से ही आपको 70 से 80% चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नमस्कार।